फ्रेंड्स, क्या आप भी डेली टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं और उसके बावजूद भी आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है? आप परेशान हो जाते हैं, हर एग्जाम में आप सिर्फ टाइपिंग की वजह से रह जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या टाइपिंग आप सही तरीके से करते हैं? क्या आपकी उंगलियों को करने का तरीका सही है? क्या आप सही सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल प्रमुख कंप्यूटर्स को और सबसे पहले अपने मोबाइल पर मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाव कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो मेरा वीडियो का है वो है टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको कुछ समझाऊं, कुछ उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं सामने, ये न्यूयॉर्क के हैं। इनकी स्पीड 124 वर्ड पर मिनट है। तो क्या आपकी भी स्पीड इतनी नहीं हो सकती? चलिए, इतनी नहीं हो सकती तो कम से कम 50-60 वर्ड पर मिनट तो हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप टाइपिंग करने के कुछ रूल्स, कुछ नियम फॉलो करते हैं और सही तरीके से टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ सकती है। आज प्रत्येक काम कंप्यूटर पर आधारित हो गया है। अगर किसी कंपनी में जॉब करने की बात आती है तो वहाँ पर सबसे पहले आपका कंप्यूटर नॉलेज ही देखा जाता है। इसके साथ ही टाइपिंग स्पीड भी देखी जाती है, क्योंकि अगर टाइपिंग फास्ट होगी तो काम कम समय में पूरा हो सकता है। अगर आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले आप तकनीक को समझिए। कंप्यूटर पर टाइपिंग करने की भी एक प्रोसेस होती है जिसमें 80% तकनीक, 10% स्पीड और 10% एक्यूरेसी का इस्तेमाल किया जाता है। हाथों को कैसे रखना है, हाथों की पोजीशन पर फोकस करना सीखना होगा। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए यह प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण होती है। टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? टाइपिंग स्पीड तेज होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक्यूरेसी के साथ सही टाइप करना भी जरूरी है। तो क्या आप जानते हैं आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? साधारणतः 40 से 50 वर्ड पर मिनट को एक अच्छी टाइपिंग स्पीड माना जाता है। लेकिन स्पीड से ज़्यादा क्षमता की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर क्षमता नहीं होगी तो आप सही नहीं लिख पाएंगे। बहुत से लोग 50 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा की स्पीड में टाइप कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी 90% से कम की होती है। फास्ट लिखने के साथ ही सही लिखना भी जरूरी होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर टाइपिंग स्पीड करने के कुछ नियम, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के कुछ टिप्स बताऊंगी, जिसे आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ना है और उन्हें फॉलो भी करना है। कंप्यूटर पर टाइपिंग करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, यह भी आपकी टाइपिंग स्पीड पर प्रभाव डालती है। चलिए जानते हैं टाइपिंग स्पीड के लिए क्या करें। टाइपिंग करते समय अपना पूरा ध्यान टाइपिंग पर ही दीजिए, नहीं तो आप की पोजीशन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। टाइपिंग करते समय अपना ध्यान स्क्रीन पर रखें, कीबोर्ड पर नहीं। शुरू में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे सही हो जाएगी। टाइपिंग करते समय अपने बॉडी को सीधा रख कर बैठें। बहुत से लोग बैकस्पेस का अधिक प्रयोग करते हैं जिससे आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। कभी भी एक पैराग्राफ को बार बार टाइप नहीं करना चाहिए। एक पैराग्राफ को आप केवल एक से दो बार या तीन बार ही टाइप करें। टाइपिंग करते समय आपको अपने लेफ्ट साइड के अंगूठे का यूज नहीं करना है। टाइपिंग में स्पीड के लिए राइट हाथ के अंगूठे का उपयोग करना है। कभी भी अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना चाहिए। कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना चाहिए। टाइपिंग करते समय सीधे बैठें। हमेशा मॉनिटर और आपकी दूरी 45 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर में करना चाहिए, यानी कि अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए और अपनी कुछ जो आदतें हमारी टाइपिंग करते समय गलत हो जाती हैं उन्हें सुधारने के लिए किस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहिए, यानी कि किस सॉफ्टवेयर में हमें टाइपिंग करनी चाहिए। तो हमें टाइपिंग करनी चाहिए सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट में। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट इस तरह से इसका आइकन होता है, आप इसे क्लिक कीजिए। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट दिखाई देगा, और जब इसे जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। एक साइड हिंदी के लिए होता है, एक साइड इंग्लिश के लिए होता है। तो आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी है, हिंदी टाइपिंग करनी है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लॉगिन कर लेंगे, कुछ भी करना नहीं है, और एंटर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ हैं, यानी कि होम रो, अपर रो और बॉटम रो, उनसे मिलने वाले शब्द, सभी की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लेसन दिए गए हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी भी टाइपिंग सीखें तो
वर्डपैड या एमएस वर्ड में ही सीखें, लेकिन अपनी स्पीड सही करने के लिए, अपनी गलत आदतों को सुधारने के लिए आप इस टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी एक लेसन ले लीजिए, जो पैराग्राफ लेसन है उनको आप ले लीजिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ हैं नीचे, 12, 13, 14, 15, इधर से सारे पैराग्राफ स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आप ड्यूरेशन टाइम 15 मिनट, 10 मिनट रखें। मैं यहाँ पे कम टाइम रखूँगी क्योंकि मुझे आपको बताना है, यहाँ से कम टाइम मैं रख रही हूँ। आप 10 से 15 मिनट रख सकते हैं और यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करेंगे। स्टार्ट टेस्ट करते ही आपका ये पैराग्राफ यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब इस पैराग्राफ में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब आप टाइपिंग करते हैं तो स्पेस देने के बाद बैक स्पेस की काम नहीं करती है, तो इसलिए अगर आप कोई शब्द लिखते हैं तो आप स्पेलिंग लिखते समय बैक स्पेस की का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेस देने के बाद आप बैक स्पेस की का यूज नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी टाइपिंग करते समय बैक स्पेस की का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये 1 मिनट में टाइपिंग करके दिखाऊंगी, और इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे आती है जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है, ग्रॉस स्पीड कितनी है, और कितने एरर हैं, कितनी गलतियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी तो यहाँ पे जो रिमेनिंग टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, देखिए, और मैं ये टाइपिंग कर रही हूँ। और ध्यान देंगे आप, जहाँ पे मिस्टेक हो रही है वहाँ पर मैं वापस जाना चाह रही हूँ तो भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मैं स्पेस दे दिया है। अगर मैंने यहाँ पे किसी वर्ड के आगे स्पेस दे दिया है तो मैं बैक नहीं जा पाऊँगी, और जब मैं टाइपिंग कर रही हूँ उसी समय मैं वापस जा सकती हूँ। यहाँ पे आउटसाइडर, जब मेरे को टाइप करना था तो आउटसाइड में मैंने यहाँ पे बैक स्पेस किया यूज। अब यहाँ पे देख रहिएगा, 1 मिनट जैसे ही होता है वैसे यहाँ पे इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। दोस्तों, ये जो मैं टाइपिंग कर रही हूँ ये कोई मैं कंपटीशन के हिसाब से नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्पीड कम ज़्यादा भी आ सकती है। अब यहाँ पे टाइम फुल हो चुका है, अब यहाँ पे रिपोर्ट आ चुकी है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी कर रखी हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारी गलतियाँ हैं। ये गलतियाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, गलतियाँ यहाँ पर 2 आ रही हैं, टोटल एरर यहाँ पर 2 आ रहे हैं, और रिमार्क में वेरी गुड आ रहा है, और ग्रॉस स्पीड यहाँ पर 33 की आ रही है, 33 वर्ड पर मिनट, और एक्यूरेसी 93% यानी कि गुड, और नेट स्पीड जो आ रही है 31 वर्ड पर मिनट आ रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी स्पीड को देख सकते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आप एक बार 33 आती है तो दूसरी बार आप 34 लाइए, 35 लाइए लाइए, इस तरह से पर डे आप इसमें ग्रोथ कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा लेंगे अपनी और किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।